भारत को रूस ने तीसरी S-400 स्क्वाड्रन सौंपी है। रूस यूक्रेन जंग के चलते इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी में देरी हो सकती है, लेकिन इन आशंकाओं को खारिज करते हुए रूस ने सही समय पर भारत को इसकी डिलीवरी की है। 2018 में भारत ने रूस के साथ 5 एयर डिफेंस सिस्टम S-400 खरीदने के लिए 40,000 करोड़ रुपए में सौदा किया था। एयर डिफेंस सिस्टम की पहली स्क्वाड्रन भारत को दिसंबर 2021 में मिली थी, दूसरी स्क्वाड्रन अप्रैल 2022 में मिली, वही तीसरी स्क्वाड्रन अब मिली है। पहली स्क्वाड्रन लद्दाख और हिमाचल की तरफ से चीन का सामना करने के लिए तैनात की गई, तो वही दूसरी स्क्वाड्रन ईस्टर्न सेक्टर में तैनात है। वही पंजाब और उत्तरी राजस्थान पर हवाई हमलों से निपटने के लिए पाकिस्तान से सटी सीमा पर तीसरी स्क्वाड्रन को तैनात किया जा सकता है। S-400 की सबसे बड़ी खासियत इसका मोबाइल होना है, यानी इसे रोड के जरिए कहीं भी ले जाया जा सकता है। वहीं इसमें इलेक्ट्रॉनिकली रिटायर्ड फेज एरो रडार लगा हुआ है, जो करीब 600 किलोमीटर की दूरी से ही मल्टीपल टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, जबकि ऑर्डर मिलने के महज 5 से 10 मिनट में ऑपरेशन के लिए तैयार हो सकता है।